अच्छा, आज का हमारा लेक्चर है पॉलिटिकल एवोल्यूशन सिंस 1971 एंड द प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन। जो पॉलिटिकल एवोल्यूशन सिंस 1971 है, उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपने जहन में रखनी है कि किस तरह ईस्ट पाकिस्तान की डिसमेंबरमेंट के बाद पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल हालात थे, उसमें क्या क्या तब्दीलियां आई। उसके लिए मैंने एक टाइमलाइन शेयर कर दी थी व्हाट्सएप ग्रुप में। हमजा थैंक यू। टाइमलाइन मैंने शेयर कर दी थी व्हाट्सएप के ग्रुप में, जो ओवरऑल हैपनिंग्स हैं, जो चेंज ऑफ कमांड रही, जो चेंज ऑफ गवर्नमेंट रही पाकिस्तान में, तो वो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। बाकी जो उसका सेकंड पार्ट है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन, उसको हम लोग देखते हैं कि वो क्या है। थैंक यू फान, आज तो मेरी तारीफें हो रही हैं। हाय, बहुत मजा आ रहा है मुझे तो। अच्छा जी, प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन बेसिकली एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट कह लें, एक आईआर के एक्सपर्ट कह लें, या जो भी आप इनको नाम दे लें, जो हंटिंगटन साहब हैं, इनकी भी मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ व्हाट्सएप पे। इन्होंने जो डेमोक्रेटाइजेशन का प्रोसेस है किसी भी सोसाइटी में, इसको दो फेजेस में तकसीम किया है। पहली फेज वो कहते हैं, क्वेश्चंस एंड पे प्लीज, मेहरबानी होगी आपकी। पहली फेज में वो कहते हैं कि अच्छा, डेमोक्रेटाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट कब होता है, जब आप इन दो फेजेस में से गुजरते हैं, अकॉर्डिंग टू हंटिंगटन। अब वो फेजेस कौन कौन सी हैं? फर्स्ट फेज इज पावर ट्रांजिशन, यानी कि एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट से दूसरी, दूसरी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट से तीसरी, तीसरी से चौथी, चौथी से पांचवी। ट्रांजिशन का प्रोसेस जब स्मूथ हो जाए, तो आपने पहला जो है ना फेज वो अचीव कर लिया। उसके बाद सेकंड फेज है, दैट इज ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ डेमोक्रेटिक नॉर्म्स और कंसोलिडेशन ऑफ डेमोक्रेटिक अचीवमेंट्स। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है, फर्ज करें कि आप एक पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं, ठीक है, आप हाइकिंग कर रहे हो, हाइकिंग नहीं, आप क्लाइंबिंग कर रहे हो, ठीक है, स्टीप ऐसे पहाड़ी, और इसके ऊपर आप चढ़ रहे हो। अब आपको डिफरेंट मकामात पे मौका मिलता है कि आप जितना कुछ अचीव कर चुके हो उसे आप मेक श्योर कर लो। उसके लिए आप क्या करते हो, वो उनके पास जो क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं, उनके पास किलियां सी होती हैं, रस्से होते हैं, वो किलियां ठोक ठोक के ना प्रॉपरली अपने आप को सॉलिड एक जगह पे, कि उससे नीचे कम अज कम वो ना गिरे, उससे पीछे ना जाए, जितना अचीव कर लिया यहीं पे रुके रहें, उससे आगे जाने की कोशिश करें लेकिन एटलीस्ट उससे नीचे ना गिरे। दैट इज वॉट हैपन्स, कि आपने डेमोक्रेसी में एक माइलस्टोन अचीव किया, आपने अपनी दौरे हुकूमत में कोई ऐसा काम किया जो डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी खिदमत थी, जैसे 18th अमेंडमेंट है किसी भी दौरे हुकूमत में हुई, जैसे आर्टिकल 58(2)(b) की रिपल्शन है, उसको निकाल देना, ये डेमोक्रेटिक अचीवमेंट्स हैं। इनकी कंसोलिडेशन होना, कंसोलिडेशन से क्या मुराद है कि कोई माई का लाल आज से 10 साल, 20 साल, 25 साल बाद आके इन चीजों को रिवर्स ना कर पाए, इस तरह की आप उनको अचीव करके जाओ। ये सेकंड फेज वो ये बताते हैं। अब यही जो ऑथर हैं वो ये कहते हैं कि ये जो कंसोलिडेशन का प्रोसेस है, दिस इज फार मोर चैलेंजिंग देन द फेज ऑफ ट्रांजिशन। जो पावर ट्रांजिशन वाला फेज है ना, उससे ज्यादा चैलेंजिंग ये फेज है कि आपने जो कुछ अचीव किया वो उसको आप इस मुकाम तक पहुंचा जाए कि वो इरिवर्सिबल हो जाए, कोई बंदा उसके ऊपर शब खून ना मार सके। वो कहते हैं कि किसी भी सोसाइटी में ये अचीव करने के लिए ये दोनों चीजें, पावर ट्रांजिशन और कंसोलिडेशन ऑफ डेमोक्रेटिक अचीवमेंट्स, इन दोनों को अचीव करने के लिए तीन चीजें चाहिए। पहले नंबर पे वेल फंक्शनिंग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, आपके पॉलिटिकल पार्टीज, आपका फ्री एंड फेयर मीडिया, आपके लोग, आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है, आपका जो लेजिस्लेचर है, आपका जो जुडिशरी है, जितनी भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं जो डेमोक्रेसी के अंडर रहकर काम करती हैं, अपने अपने डोमेन में रहकर, उनका अच्छी फॉर्म में परफॉर्म कर रहे होना
जरूरी है इन ऑर्डर टू अचीव दोज टू थिंग्स, यानी कि ये प्री रेक्विजिट्स हैं। आप चाहते हैं कि डेमोक्रेसी, एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट से दूसरी आती रहे, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, चौथी से पांचवीं, ये आपका टारगेट है, आप ये चाह रहे हैं। दूसरे नंबर पे आप ये भी चाह रहे हैं कि एक डेमोक्रेसी के थ्रू आपने जो कुछ अचीव किया उसको आप कंसोलिडेट करते रहें, उसको आप मजबूत करते रहें। तो इन दोनों चीजों के मुकम्मल होने के लिए आपको वेल फंक्शनिंग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस चाहिए। दूसरे नंबर पे एन इंप्रूवमेंट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ मैसेस, लोग इकोनॉमिकली और सोशली डिपेंडेंट ना हो अनफेयर मींस के ऊपर, एक्सप्लॉयटेशन के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिटिकल पार्टीज उनकी मजबूरियों, उनकी कमजोरियों, उनके फाइनेंशियल हालात, उनके सोशल हालात को एक्सप्लॉयट ना कर सकते हो, इस तरह की कंडीशंस होनी चाहिए। और तीसरे नंबर पे अ फ्लरिशिंग सिविल सोसाइटी, ऐसी सोसाइटी, सिविल सोसाइटी किसे कहते हैं, जिनमें सिविक सेंस हो। फ्लरिशिंग सिविल सोसाइटी से मुराद वो सिविल सोसाइटी है जिनके पास अपने राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों का ना सिर्फ अवेयरनेस हो बल्कि उनकी इंप्लीमेंटेशन भी हो। तो अगर ये तीन चीजें हैं प्लस आप साथ में पावर ट्रांजिशन और कंसोलिडेशन ऑफ डेमोक्रेसी ये चल रही है, टोटल ओवरऑल पांच चीजें हो गई, तो यू कैन से कि आपने प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन कंप्लीट कर लिया। आपने जो एक होता है ना बेस रिक्वायरमेंट वो मुकम्मल कर ली, अब आपकी डेमोक्रेसी को कोई भी बंदा डिरेल नहीं कर सकता, उसके लिए ये पांच चीजें होनी जरूरी है। मतलब तीन चीजें ये हैं, वेल फंक्शनिंग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस, इंप्रूव्ड सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस और फ्लरिशिंग सिविल सोसाइटी। अलॉन्ग विद इट वो दो चीजें कि कंटिन्यूस पावर ट्रांजिशन चलती रहे एंड एट द सेम टाइम जो जो आप अचीव करते रहो उसको कंसोलिडेट करते रहो। ये पांच चीजें एक सर्कल में काम करती हैं, एक चीज भी बीच में से निकाल दें बाकी की चार चीजें नाकारा हो जाएंगी। ये प्रोसेस है डेमोक्रेटाइजेशन का। यहां तक आप लोगों को समझ आ गई तो एक एक कमेंट कर दें प्लीज, और जो नए लोग आए हैं वो स्ट्रीम शेयर कर दें, या जिन लोगों को आप जानते हैं उनको टैग कर दीजिए इस स्ट्रीम में ताकि वो भी ज्वाइन कर लें। यहां तक समझ आ गई, एक एक कमेंट कर दीजिए। सिर्फ एक बंदे को समझ आई है, बाकी फोत हो गए हैं नेपाल के जंगलों में। चलें, दो को समझ आ गई है, तीन को, चार को, पांच को, बस ठीक है, अब समझ आ रही है। जब अक्सर मैसेज आने शुरू हो जाए समझ आने के तो फिर मुझे तसल्ली हो जाती है कि वहां समझ रही है। इसी तरह जिस तरह ये टिंगटन साहब के व्यूज हैं, इसी तरह एंड्रियास शेडलर भी एक आप ये कह लें पॉलिटिकल साइंटिस्ट कह लें, वो हैं, वो कहते हैं हिज डेफिनेशन कुड सफाइस एट लीस्ट फॉर नाउ। इट सेज कंसोलिडेशन ऑफ डेमोक्रेसी इज अ कंडीशन इन विच, अब वो कंसोलिडेशन जो हम कह रहे थे ना कि हम अगर इन पांच चीजों को अचीव कर लें तो हम कह सकते हैं कि कंसोलिडेशन अचीव होगी। एक और बंदा है, वो प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन में डेमोक्रेटिक कंसोलिडेशन को किस तरह डिफाइन करता है, वो ये कहता है ऐसी कंडीशन इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डेमोक्रेसीज ब्रेक डाउन, यानी कि डेमोक्रेसी के ब्रेक डाउन, यानी कि डेमोक्रेसी के टूटने के या डेमोक्रेसी के ऊपर शब खून मारने की जो प्रोबेबिलिटी है, इस ब्रेक डाउन इज रिड्यूस्ड टू द पॉइंट, उस मुकाम तक कम हो जाए, मतलब इतनी कम हो जाए वेयर वन कैन फील रीजनेबली कॉन्फिडेंट दैट डेमोक्रेसी विल परसिस्ट इन नियर फ्यूचर, जहां पे बंदे को तसल्ली हो कि एटलीस्ट अगले 10, 20, 30 साल नियर फ्यूचर में डेमोक्रेसी के ऊपर कोई शब खून नहीं मारेगा। अगर इस तरह की कंडीशन आपने अचीव कर ली है दैट मीन्स कि आप कंसोलिडेशन की फेज में एंटर हो चुके हो। लेकिन अगर आपको हर वक्त ये डर लगा रहता है कि ये गवर्नमेंट अपना टेन्योर पूरा करेगी या नहीं करेगी, या हो सकता है इस गवर्नमेंट के से आगे आने वाली गवर्नमेंट अपना टेन्योर पूरा ना कर सके, जब इस तरह की अनसर्टेनिटी होगी
तो फिर आप ये समझ लीजिए आप कंसोलिडेशन वाली फेज में एंटर ही नहीं हुए। तो कंसोलिडेशन क्या है कि जहां पे ऐसा मुकाम जहां पे आपको लगे कि डेमोक्रेसी खत्म नहीं होने वाली इन नियर फ्यूचर, अगले दो तीन टेन्योर में एज इट इज कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। ये दूसरे भाई साहब हैं जो कंसोलिडेशन ऑफ डेमोक्रेसी का बताते हैं 15 से 15-20 मिनट। चलो जल्दी आ जाना। अब आते हैं उस फेज की तरफ। ये तो हमने डिस्कस किया कि ये डेमोक्रेसी है और हम यहां पे खड़े हैं और हमने इसको ऊपर भी चढ़ना है, आगे भी जाना है, इसको अचीव करना है, कंसोलिडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। अब जब हम इधर पहुंच गए इस स्टेज के ऊपर, तो फिर क्या प्रिंसिपल्स हैं जो ये डिफाइन करेंगे कि वाकई ही ये कंसोलिडेटेड डेमोक्रेसी है या नहीं है। किसी भी सोसाइटी को, किसी भी गवर्नमेंट को ये जज करना कि वहां पे वेस्टर्न कम्युनिटीज आप जज कर सकते हो, किसी एक खास मुल्क को आप जज कर सकते हो कि वहां पे डेमोक्रेसी अपनी कंसोलिडेटेड फॉर्म में पहुंच चुकी है या नहीं, वो कहां से जज करेंगे? उसके लिए 6 प्रिंसिपल्स डिफाइन किए गए हैं। और वो 6 प्रिंसिपल क्या क्या हैं वो मैं एक एक करके आपको बता देता हूं। द वेरी फर्स्ट वन इज इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल चॉइस। व्हाट डू यू मीन बाय इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल चॉइस? ये स्क्रीन किधर इतनी दूर चली गई थी? मेरा चेहरा अनवर दूर हो गया था आप लोगों से, फैज की जो लहरें बह रही थी वो पहुंच नहीं पा रही थी। अच्छा, द वेरी फर्स्ट थिंग जो आप देखते हो, मतलब आप ये समझ लीजिए कि ये 6 सीढ़ियां हैं, एक एक करके आपने सारी सीढ़ियां अचीव करनी है। अगर सारी सीढ़ियां आप स्टेप वाइज चढ़ सकते हो, दैट मींस कि डेमोक्रेसी कंसोलिडेटेड है। अगर एक भी उसमें से मिसिंग है तो वो कंसोलिडेटेड डेमोक्रेसी नहीं है, वो उस फेज में एंटर हुई है, अचीव नहीं अभी उसने मुकम्मल किया। सबसे पहली चीज है इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल चॉइस। ये बड़ा मजे का और बड़ा समझने वाला पॉइंट है। व्हाट डू आई मीन बाय इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल चॉइस? फॉर एग्जांपल, लेट्स से फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, लास्ट मुझे कमेंट आया हुआ है जी ताज अली शाह साहब का। ताज अली शाह साहब के पास वोट देने की चॉइस आई है। अब ये वोट देने की चॉइस इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं। कैसे? उसमें इनकी कोई मजबूरी शामिल नहीं होनी चाहिए, ना फाइनेंशियल रेस्ट्रेंट्स हो, ना इनकी कास्ट उसमें हायल हो रही हो, ना इनका कोई कबीला उसमें हायल हो रहा हो, ना इनकी पर्सनल एफिलिएशन उसमें हायल हो रही हो, ना मतलब कोई भी बायसनेस जहां पे भी आती है, कोई भी ऐसी जहां पे सब्जेक्टिविटी आती है, जहां पे आपकी जाती ख्वाहिश आ जाती है, आपके बेटे ने, आपने अपने बेटे को नौकरी दिलवानी है, आपने अपनी मोहल्ले की गली पक्की करवानी है, ये सारी क्या है? ये रेस्ट्रेंट्स हैं, ये पाबंदियां हैं। इसमें आप डिपेंडेंट पॉलिटिकल चॉइस लेते हो, मतलब आप किसी के पास जाओगे, जी हमारे मोहल्ले की गली पक्की करवा दीजिए, हम सारे मोहल्ले वाले आपको वोट देंगे। ये क्या है? दिस इज अ डिपेंडेंट पॉलिटिकल चॉइस। या आपको किसी ने इन्फ्लुएंस किया, आके मजबूर किया, भाई मुझे वोट दो नहीं तो मैं तुम्हारा जीना दो भर कर दूंगा, ये डिपेंडेंट पॉलिटिकल चॉइस है। या किसी ने आपको आके जलील किया, किसी ने, या आपको बेटे की नौकरी के लिए किसी के पास जाना पड़ा कि जी मैं पूरे खानदान के, हमारे कुछ 300 वोट बनते हैं सारे खानदान को मिलाकर, हम सारे आपकी पार्टी को देंगे लेकिन मेरे इस बेटे की नौकरी लगवा दीजिए। ये सब चीजें क्या है? डिपेंडेंट पॉलिटिकल चॉइसेस हैं। इन सब से मावरा होकर जब आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, आप किसी कैंडिडेट को वोट दे रहे हो उस कैंडिडेट के कैलिबर को देखकर, या उसकी पार्टी के मैनिफेस्टो को देखकर, या उस बंदे की एजुकेशन, या उसकी विजन, या उसकी जो डेमोक्रेसी की बेसिक रिक्विजिट्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, वो देखकर अगर आप वोट करने जा रहे हो, अगर आपकी पॉलिटिकल चॉइस इस तरह की है, दैट इज कंसिडर्ड एज इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल चॉइस। सो द वेरी फर्स्ट रेक्विजिट, द वेरी फर्स्ट पैरामीटर जिसके ऊपर आप डेमोक्रेसी की कंसोलिडेशन को जज करते हो, वो ये है कि आपकी पॉलिटिकल चॉइस कितनी इंडिपेंडेंट है, आप कितने अपनी जातियात से बाहर निकलकर मेरिट की बेस पर जाकर वोट देते हो। इस पॉइंट की समझ आ गई? मैं पानी ले आऊं, आप एक एक कमेंट कर दें।
मैं पढ़ाते हुए थोड़ा ज्यादा जोशीला हो जाता हूँ, मेरी आवाज भी बहुत ज्यादा तो नहीं आ रही होती, आपके कान तो नहीं खा रहा होता मैं, मुझे आप लोगों के कमेंट्स ही नहीं आ रहे। ठीक हो गया, दैट मींस कि आप लोगों को समझ आ रही है, दिमाग में भूसा नहीं भरा हुआ, आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे हो। दूसरे नंबर पे ये पहला फेज है, ये पहली सीढ़ी है। दूसरे नंबर पे कंसोलिडेटेड डेमोक्रेसी अगर आपने कहीं पे देखनी है तो ये देखिए कि अपोजिशन कितनी लॉयल है। अ लॉयल अपोजिशन इज सेकंड रंग ऑफ द स्टेयर ऑफ कंसोलिडेटेड डेमोक्रेसी। लॉयल अपोजिशन से क्या मुराद है? ऐसे लोग जो प्रिंसिपल के ऊपर आपके साथ अपोज करें, और जहां पे स्टेट को फायदा मिल रहा हो, जहां पे नेशन को फायदा मिल रहा हो, जहां पे अवाम को फायदा मिल रहा हो, वहां पे वो गवर्नमेंट के साथ शाना बशाना खड़े हो, इसको लॉयल अपोजिशन कहते हैं। अपोजिशन का मकसद अपोजिंग फॉर द सेक ऑफ अपोजिंग नहीं होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ बिकॉज दैट पर्सन इज फ्रॉम अ पार्टी विच आई डू नॉट बिलोंग, तो इसलिए मैंने उसको अपोज करना है। दैट इज नॉट वट डेमोक्रेसी स्टैंड फॉर, दैट इज नॉट वट कंसोलिडेटेड डेमोक्रेसी स्टैंड फॉर। कंसोलिडेटेड डेमोक्रेसी क्या कहती है? कि एक ही पोलिटिकल पार्टी का लीडर गवर्नमेंट में है और उसी पोलिटिकल पार्टी के दूसरे जो रुकन में इतनी इखलाकी जुर्रत होनी चाहिए कि वो उसके साथ प्रिंसिपल्स की बेस पर किसी चीज पर डिसएग्री कर सके। या आपकी ये तो हम जनरल वो गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, अपोजिशन इतनी लॉयल होनी चाहिए टुवर्ड्स स्टेट कि वो गवर्नमेंट के साथ उन मामलात के ऊपर अपोजिशन ना करें जिन मामलात में स्टेट की खराबी होने के कुछ चांसेस हो। लॉयल अपोजिशन इसको बोलते हैं। अपोजिशन बेसिकली पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है ना जी, वो भी वो कोई खलाई मखलूक तो नहीं आई या कोई वो बाहर से उठा के तो नहीं बीच में बिठाए होते कि आपने सिर्फ अपोज करना होता है। हमारे यहां पे अपोजिशन को ये नहीं पता होता कि बिल किस चीज के लिए पेश किया जा रहा है। पार्टी हेड ने कह दिया कि आपने नई में वोट देना है, दैट मींस कि उन्होंने नई में वोट देना है। पार्टी हेड ने कह दिया कि आपने हां में वोट देना है, सॉन्ग एंड पे सुनाऊंगा, मैंने अभी वो कमेंट पढ़ा, आपने हां में वोट देना है तो वो हां में जनाब आपको वोट साढ़े मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। लॉयल्टी टू स्टेट ऑलवेज एंड लॉयल्टी टू गवर्नमेंट व्हेन इट डिजर्व्स, ये जनरल प्रिंसिपल है अपोजिशन के लिए भी, मेरे लिए भी, आपके लिए भी। जिस पॉइंट पर गवर्नमेंट आपसे लॉयल्टी एक्सपेक्ट कर रही है और वो डिजर्व भी करती है, यू शुड गिव लॉयल्टी टू गवर्नमेंट, और जिस काम पे वो लॉयल्टी मतलब डिजर्व नहीं करती, वहां पे आपकी लॉयल्टी टुवर्ड स्टेट होनी चाहिए। मतलब वो उसी वक्त डिजर्व नहीं कर रहे होंगे ना जब वो स्टेट के नैरेटिव के या स्टेट की इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा रहे होंगे। सो आपने इस चीज को जहन में रखना है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन कंसोलिडेटेड डेमोक्रेसी इज लॉयल अपोजिशन, जो स्टेट के साथ लॉयल हो, अपनी पार्टी के साथ नहीं, अपने लोगों के साथ नहीं, किसी के साथ भी ना लॉयल हो, किसी गवर्नमेंट के साथ लॉयल ना हो, सिर्फ और सिर्फ स्टेट के साथ लॉयल हो। इसके बाद अल्लाह आपका भला करे तीसरे नंबर पे आपकी रिलायबल ब्यूरोक्रेसी आती है। ब्यूरोक्रेसी वो इंजन है जिसके ऊपर गाड़ी चल रही है। अब आपकी जो मैं मिसाल देता हूं, एक गाड़ी ले लें, उस गाड़ी का ड्राइवर इज द गवर्नमेंट, उस गाड़ी के अंदर पड़ने वाला पेट्रोल इज द अपोजिशन, उस गाड़ी की मशीनरी इज द ब्यूरोक्रेसी। अब वो पेट्रोल कितना गंदा है उतनी गाड़ी मिसिंग करेगी, उतनी गाड़ी झिझक के चलेगी।
वो पेट्रोल कितना साफ है, उनकी नीयत कितनी ठीक है, वो ड्राइवर के साथ कितने मुखलिस हैं, उतना वो गाड़ी को अच्छा लेकर चलेंगे। ये आपकी उसकी मिसाल होगी। अब आती है बारी मशीनरी की, जिसने स्टेट को रन करना है, ब्यूरोक्रेसी। रिलायबल ब्यूरोक्रेसी से क्या मुराद है? ऐसी ब्यूरोक्रेसी मतलब जो हमारे मिनिस्टर्स होते हैं, उन्होंने सिर्फ एक चीज प्रेजेंट करनी होती है, एक आइडिया प्रेजेंट करना होता है, उस आइडिया को पेपर के ऊपर लाना, उसके प्रोज एंड कॉन्स देखना, उसमें क्या डूएबल है क्या डूएबल नहीं है, ये सारी चीजें किसने देखनी होती हैं? ये जो आपसे में से उठकर सिविल सर्वेंट्स से आते हैं, इन्होंने ये सारी चीजें देखनी होती है। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ने मिलकर इन कोलेबोरेशन वर्क करना होता है। ये इस तरह के होने चाहिए कि इनके ऊपर रिलाय किया जा सके स्टेट की बेहतरी के लिए। यहाँ पे क्या होता है, एक सेक्रेटरी या किसी 21वें 22वें स्केल वाले को गिरफ्तार किया जाता है, वो पूरा कैडर जो उनका है, जो पूरा उनका पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, वो जनाब कंडेम करना शुरू कर देती है। किसी अच्छी डेमोक्रेसी में आपने देखा है, किसी पुलिस अफसर को पकड़ा गया हो और वो पूरी पुलिस फोर्स जो है वो जनाब काली पट्टियां बांध के अपने दफ्तरों में बैठे? किसी जगह पे आपने देखा है एक सिविल सर्वेंट, लेट्स से मैं जस्ट मिसाल देने लगा हूं, एक पीएसपी का ऑफिसर है, एसएसपी है, उसको किसी वजह से अरेस्ट किया गया, ठीक है? अब आप देखेंगे, मैंने ये चीज देखी है, ट्विटर पे चले जाएं जितने भी पीएसपी कैडर के लोग होंगे, फेसबुक पे चले जाएं जितने पीएसपी कैडर के लोग होंगे, विदाउट नोइंग द रियलिटी ऑफ दैट अरेस्ट, विद इन 5 to 10 मिनट्स, विद इन एन आवर एक एक स्टेटस अपलोड कर देंगे, बहुत ही पायस ऑफिसर था जी, बहुत ही ये था जी, बहुत ही वो अच्छा काम था जी, बहुत ऐसा था, बहुत वैसा था, आप उसके ऊपर गंद फैला रहे हो, आप ये कर रहे हो, आप ये कर रहे हो। ये क्या है बेसिकली, आप अपनी स्टेट के साथ लॉयल नहीं हो। स्टेट मशीनरी है ना भाई, अगर मशीनरी ने किसी एक चीज को पकड़ा है कि दिस इज वेयर समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, ये फिल्टर है ये गंदा हो गया, उसको हवा मारनी है या फिल्टर चेंज करना है, तो क्या आप गाड़ी जो है वो उसके ऊपर इतराज करना शुरू करते, भाई आज के बाद मैंने नहीं चलना, मशीनरी कहेगी मैंने नहीं चलना? नहीं, मशीनरी कहेगी कि ये अगर गंदा है तो वाकई से साफ करो यार, ये तो मेरी ओवरऑल परफॉर्मेंस के ऊपर इफेक्ट डालेगा। तो ब्यूरोक्रेसी ऐसी होनी चाहिए जिसके ऊपर आप, हर चीज का दारोमदार ब्यूरोक्रेसी के ऊपर है। इन्होंने ग्रास रूट लेवल से लेकर टॉप लेवल तक, ईच एंड एवरीथिंग, जो पीएम तक जो चीजें जाती हैं कि जी ये हालात हैं, ये चीजें महंगी हैं, ये सस्ती हैं, इनको ऐसे है इनको वैसे है, ये सारी रिपोर्ट्स कहाँ से जाती हैं? ब्यूरोक्रेसी से जाती हैं। और ब्यूरोक्रेसी की मिसाल मैं ये देता हूँ, मैं एक आरएचसी में जॉब करता था, रूरल हेल्थ सेंटर में, तो वहां पे जो हमारे सीनियर मेडिकल ऑफिसर साहब थे, एक हमारे उस वक्त डिप्टी कमिश्नर डीसीओ साहब ने विजिट करना था उस आरएचसी का, हमें सुबह सुबह मीटिंग में बुलाया गया और हमें यह कहा गया दैट यू हैव टू गिव अ रिपोर्ट ऑफ ऑल इज ओके, आपने सब ओके की रिपोर्ट देनी है। अब ये ब्यूरोक्रेसी के अंडर काम चल रहा है, डीसीओ के अंडर एक चलने वाला हॉस्पिटल इस तरह के काम कर रहा है। इस तरह की चीजें अगर मुझे पता है, अगर ग्रास रूट लेवल के बंदे को पता है, तो क्या आप समझते हैं डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, तहसीलदार, इनको नहीं पता? उनको भी पता है, लेकिन वो वही साहब हो जाता है जब कोई शिकार करने आए तो जनाब कबूतर साहब अपनी आंखें ऐसे कौ को बंद कर लें, बस शिकार को नहीं मैं देख रहा, इट हैपेंस, लेट इट गो। ऐसे नहीं होना चाहिए। रिलायबल ब्यूरोक्रेसी से आपकी स्टेट मशीनरी अच्छी चलती है। कंसोलिडेटेड डेमोक्रेसी उसी को समझा जाता है जहां पर आपकी मशीनरी के ऊपर आप रिलाय कर सको। ये तीन प्रिंसिपल्स हो चुके हैं अभी तक, यानी कि इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल चॉइस, लॉयल अपोजिशन और रिलायबल ब्यूरोक्रेसी। इसके बाद चौथे नंबर पे आती है हमारी मजे की इम्पार्शल जुडिशरी। टर्म मैंने इसके साथ यूज किए, इम्पार्शल। हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसके बाद जो स्लोगन लगा हुआ है, दैट इज एदलु बिल हक फहकमु बैन अन्नास बिल हक, लोगों के बीच में हुक्म जारी करो, लोगों के बीच में आप अपनी वर्डिक्ट पेश करो बेस्ड अपॉन ट्रूथ। इसको बोलते हैं इम्पार्शियलिटी, जो कुरान ने प्रिंसिपल बताया, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट का स्लोगन है, फाहकुम बैन अन्नास बिल अदल, सॉरी बिल हक। अब ये बेसिकली है क्या,
जुडिशरी की इंपार्शियलिटी हर चीज में बहुत जरूरी है। पॉलिटिकल फेवरिंग जुडिशरी से स्टार्ट होती है, पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग जुडिशरी से स्टार्ट होती है, डिक्टेटर्स का अप्रूवल जुडिशरी से स्टार्ट होता है। आम बंदे को किस हद तक रिलीफ मिलना है, आम बंदे के केसेस किस हद तक सुने जाने हैं, आम बंदे के लिए अदल का जो मायार है वो जुडिशरी से स्टार्ट होता है और जुडिशरी से ही खत्म हो जाता है। इम्पार्शियल जुडिशरी से मुराद ये है, ऐसी जुडिशरी जो अपने डोमेन में रहते हुए कॉन्स्टिट्यूशन की एक्सप्लेनेशन करते हुए लोगों के लिए खुशहाली का, सुकून का, अमन का और मेंटल सेटिस्फेक्शन का बायस बने। किसी भी कंसोलिडेटेड डेमोक्रेसी में चौथी चीज, अगर आप चौथा प्रिंसिपल, मतलब ये इसी तरह है कि आपके पास एक चेक लिस्ट है छह चीजों की और आप एक एक चीज को टिक करते जा रहे हो, ये है जी टिक कर दो, ये है जी टिक कर दो, ये है टिक कर दे। चार चीजें अभी तक हम देख चुके हैं जो किसी भी कंसोलिडेटेड डेमोक्रेसी में आपको नजर आनी चाहिए और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आप ये कह सकते हैं इनमें से एक भी नहीं मिलेगा आपको पाकिस्तान के अंदर। उसके बाद पांचवी चीज हमारे ऊपर अब हमला होने लगा, सिविक सिविल सोसाइटी। सिविक मैंने ऊपर भी ये कॉन्सेप्ट बताया, ऐसे लोग जो ना सिर्फ अपने हकूक से क्या उसे कहते हैं बाइल्म हो बल्कि अपनी जिम्मेदारियों से भी हों, मुझे पता हो टुवर्ड्स स्टेट मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां से शुरू होती है, यहां से शुरू होती है कि मैं अपने बेटे को गाड़ी में बैठे हुए ये सिखाऊं कि बेटा गंद बाहर नहीं फेंकना, आपने गाड़ी में फेंकना है, घर जाके उठा के डस्टबिन में फेंक देना। अब हम बेसिकली अपने बेटे को क्या सिखाते हैं, यार सारी दुनिया ने फेंका हुआ, एक तुम भी फेंक दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यार एक मेरे ठीक होने से क्या हो जाना है, पूरा पाकिस्तान गंदा है, 22 करोड़ 21 करोड़ 99 लाख 99,999 बंदा जो है ना वो गंदा है, एक मैं ठीक हूं तो मेरे ठीक होने से भी क्या फर्क पड़ता है, मैं भी गंदा ही रहूं, मैं भी गंद ही डालूंगा। दैट इज वॉट हैपन्स, दैट इज वॉट मेक्स दिस कंट्री डर्टी। एक एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, और अगर आप सिर्फ एक आप या मैं ये सोचना शुरू कर दूं यार इतने लोग गंद डाल रहे हैं कि मैं तो अवॉइड करूं कम से कम, और मैं कुछ नहीं कर सकता पाकिस्तान के लिए, सिर्फ इतना कर दूं यार गंद ना डालो, मैं ये सोचूंगा मेरे जो चार दोस्त हैं जो मेरे साथ गाड़ी में घूमते फिरते हैं उनको मैं इस चीज के ऊपर पाबंद करूंगा, एटलीस्ट मैं अपनी अगली जनरेशन को इस चीज के ऊपर पाबंद कर लूंगा, आज ना सही कल ना सही परसों ना सही, आज से 5, 10, 15 नस्लों के बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, आज से 300 साल बाद 200 साल बाद उनमें इतनी अक्लमत होगी कि वो गंद बाहर नहीं फेंकेंगे। एक छोटा सा एक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम माय ओन सेल्फ, ये सिविक सिविल सोसाइटी होनी चाहिए। अगर आपने कंसोलिडेटेड डेमोक्रेसी देखनी है तो ये देख लीजिए कि लोग कितना अपनी जिम्मेदारियों और अपने हकूक के साथ अवेयर हैं, लोगों का कितना शऊर हासिल है, अगर वो शऊर नहीं है तो फिर बेड़ा ही गर्क है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये पांचवी चीज भी हमारे पास मौजूद नहीं है। सिक्स्थ प्रिंसिपल ऑफ, लास्ट पॉइंट आज के लेक्चर का, सिक्स्थ प्रिंसिपल ऑफ कंसोलिडेटेड डेमोक्रेसी इज फ्री मीडिया। फ्री मीडिया से क्या मुराद है, फ्री से मुराद अनरिस्ट्रेंड नहीं होता, जिनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो, जिनके ऊपर कोई बेसिक प्रिंसिपल्स लागू ना होते हो, बल्कि फ्री मीडिया से मुराद ये होता है कि जो इम्पार्शियल होकर सिर्फ बात आप तक पहुंचाए, वो ओपिनियंस आप तक पहुंचाए, वो आपके ऊपर चीजें इम्पोज ना करे, वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट ना करे या दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को के अगेंस्ट ना जाए, वो सिर्फ आप तक हकायक पहुंचाए, मीडिया का ये काम है। अगर आप वो बात कर लेना इसकी सोशल मीडिया में, मेरा और आपका ये काम है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रेस मीडिया, ये जो प्रिंटिंग मीडिया है, हर मीडिया के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं। फ्री मीडिया से मुराद सिर्फ और सिर्फ ये है कि लोग सच कहते हुए डरे ना। अब सच से मुराद ये नहीं है कि मेरा वर्जन ऑफ सच क्या है, मैं सच को कैसे लेता हूं, सच से मुराद यह है कि इफ आई एम थिंकिंग अबाउट समथिंग, लेट्स से मैं कहता हूं नवाज शरीफ ठीक है, ये मेरा सच है,
मेरी जाती राय है। एट द सेम टाइम मुझे सेकंड स्कूल ऑफ मीडिया में अगर मैं हूं, मुझे सेकंड स्कूल ऑफ थॉट को भी प्रेजेंट करना चाहिए कि दूसरे लोग इन वजूहात की बिना पर यह भी कहते हैं। वो होगा फ्री मीडिया, वो होगा हकायक पहुंचाने वाला मीडिया। अगर मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि नवाज शरीफ ठीक है और उसी को प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं तो मैं फ्री मीडिया नहीं हूं, मैं बेसिकली ओपिनियन इंपोज करने वाला मीडिया हूं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये था हमारा आज का लेक्चर। हमने देख लिया कंसोलिडेशन ऑफ डेमोक्रेसी, द प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन कैसे अचीव किया जाता है और कंसोलिडेटेड डेमोक्रेसी की बेसिक रिक्विजिट्स क्या है। तो